प्यारे विद्यार्थियों, आज असीं 10वीं जमात दे अध्याय अंकगणितक लड़ियां दे कुछ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करन जा रहे हैं। बेटा, पिछले लेक्चर च तुसीं अंकगणितक लड़ियां दी मुढ़ली जानकारी लै चुके हो। अज असीं अंकगणितक लड़ी दे 9वें पद दे सूत्र दे नाल ते उसे अंकगणितक लड़ी दे n पदां दा जोड़फल किवें पता करना है वो सीखांगे। बेटा आओ देखिए, एपी का एनवा पद जिन्हों असी कि लिखते होंगे सी बेटा ए एन नाल, ए एन कि बराबर होंदा सीगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एपी का एनवा पद पता करने का सूत्र की हैगा ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। इस एक बार दोबारा रिवाइज कर लीए। ए वन बेटा साढ़ा की होंदा सीगा पहला पद, तो मोस्टली असं इनू कि लिखते हैं ए देना। चौथ पंजवा पद ए प्लस 4d। हुण बेटा तुसी देख रहे हो कि यह अगे अगे लड़ी किस तरह वध रही है, कि जिहड़ा सांझा अंतर है वो हर पद विच जुड़ी जा रहा है। ठीक है बेटा, हुण इत्थे देखो इत्थे दो है, यानी कि असी दूसरा पद पता करना है तो डी दे नाल साडा की है एक, तीसरा पद पता करना है तो डी दे नाल की है बेटा साडे कोल दो, चौथा पद पता करना है डी दे नाल की है तीन। क्लियर हो गया। पंजवा पद पता किया तो डी दे नाल की है चार। हुण इत्थे चार की जगह पर असी पांच माइनस एक भी लिख सकते। ठीक है बेटा, जिहड़ी रकम असी पता करनी है, जिहड़ा पद असी पता करना है, उस विचों एक घटा के जिहड़ा है वह डी दे नाल आता है। इसको साडा फॉर्मूला बन गया एनथ टर्म कढ़न का, एनवा पद पता करने लई पहली रकम या पहला पद प्लस एन माइनस वन गुणा डी, जितना इतने एन होएगा उस चो एक की कर देना है घटा देना है। ये साडा की हो गया बेटा फॉर्मूला एनथ टर्म पता करन दा। इस तरह बेटा जेडे ये चल तुहानू इहदे विच दिख रहे हैं ए एन ते डी, उहदे नाल ही साडी एपी दे एन पदों का जोड़फल भी असी पता कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जोड़फल पता करने का फॉर्मूला एस इतने सम नू इंडीकेट करता है, इंग्लिश असी जोड़फल नू की कहने सम, इतने एस की इंडीकेट करता है सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है बेटा, एस एन पता लग गया सम ऑफ एन टर्म्स, एपी दे एन पदों का जोड़फल उसनू असी कि डिनोट करते हैं एस एन। क्लीयर, एन किनिया रकमों का असी जोड़फल पता करना चाहते हैं, ए साड़ी लड़ी का पहला पद तो डी साढ़े को आ गया बेटा सांझा अंतर। क्लीयर, इतने बेटा मैं थोड़ा जहा समझाने की कोशिश करती हाँ कि ये तो एक होर फॉर्मूला असी बना सकते, टू ए की जगह पर असी ए प्लस ए लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पाया, ए प्लस ए टू ए हों एन माइनस वन इंटू डी। क्लीयर, आ सारा बेटा साडा किहदा फॉर्मूला है एनथ टर्म का। ये जगह पर जे मैं ए प्लस ए एन लिख देव तो मेरे ख्याल फॉर्मूले को कोई फर्क नहीं पाएगा। ए एन नू बेटा असी कई बार बुक्स च एल नाल भी डोनेट किया होया है, यानी कि लास्ट टर्म एनवा पद तो अंतिम पद जड़ा है वो की है एक ही चीज़ है सेम है। ठीक है बेटा, इस तरह साढ़े को दो फॉर्मूले आ गए, एक फॉर्मूला आ गया जिदे असी एन ए ते डी की वरतों करते हैं, तो एक फॉर्मूला साढ़े को बेटा यह आ गया जिदे असी एन ए ते एल की वरतों करते हैं जो सानू अंतिम पद दिता होगा। क्लीयर, आओ बेटा हुण ए एन ते एस एन दे नाल रिलेटिड असी कुछ सवाल करिए। पहला सम है बेटा ओ ए पी पता करो जिस दा तीसरा पद पांच अते सतवां पद जड़ा है वह किन्ना है नौ। हुण असी ए पी बनानी है जिहदे दो पद सानू दिते हुए ने, सम शुरू करिए किहड़ा पद दिता होया सीगा तीसरा ए थ्री बराबर पांच, ते एक सानू दिता होया है बेटा सतवां पद ए सैवन बराबर नौ। क्लीयर हो गया, ए थ्री बेटा साडा हुंदा है ए प्लस
टू डी कितना है 5, ए 7 इज इक्वल टू ए प्लस 60 इज इक्वल टू 9। हुण ये तुसी दोनों देख रहे हो, ये साढ़े को दो चलां वाले रेखी समीकरण आ गए। इन्हों नेमिंग कर दिए समीकरण 1 समीकरण 2, दोनों जिहड़े चल है ए ते डी उन्हां नूं असीं पता कर सकते हैं। तीसरे अध्याय च असीं कीता सीगा समीकरण 1 विचों 2 नूं घटाउण ते, ठीक है बेटा, समीकरण 1 चों 2 नूं की कर दांगे घटाओ कर दांगे, निशान चेंज होंदे आ घटाओ च, ए नाल ए कटिया गया, ए चों ए कटिया 0, 6 चों 2 कटिया बेटा माइनस डी, 9 चो 5 कटे माइनस 4, डी बराबर साढ़े को कितना आ गया माइनस 4/4 कट के कितना आ गया 1, डी का मुल साढ़े को इतने कितना आ गया बेटा 1। नेक्स्ट स्टेप ए पता करना, डी का मुल जिहड़ी समीकरण 1 है उहदे विच भरन ते, आपां दोनों चल जदों पता करदे सीगे डी दा मुल किहदे च भरदे सी समीकरण 1 विच, डी दा मुल समीकरण 1 विच भरन ते समीकरण 1 लै लईए, ए प्लस 2 डी इज इक्वल टू 5, ए प्लस 2 1 पुट कीता, ए प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ए प्लस 5 2 उधर प्लस हो रहा इधर आके माइनस हो जाएगा, ए इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा साढ़े को 3, तो डी साढ़े को कितना आ गया 1। हुण इहदे नाल ए ते डी जदों पता होएगा तो असी अपनी ए पी जिहड़ी है वह पता कर सकते हैं। ए पी पता करन लई पहला पद ए, ए दा मुल साढ़े को कितना सीगा बेटा हुण आया 3, दूसरा पद ए प्लस डी, ए दा मुल 3, डी दा मुल 1, तीसरा पद सानू दिता होया सीगा इस तो पता करन दी लोड़ नहीं है, तीसरा पद साढ़े कोल कितना सीगा 5, चौथा पद ए प्लस 3 डी 3 प्लस 3 गुणा 1 3 प्लस 3 कितना आ गया बेटा 6। इस तरह ए पी साड़ी चलती रहेगी, साड़ी ए पी की बन गई 3.4 5 ਤੇ 6, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਏ ਪੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਪਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੀਸਰਾ ਪਦ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੱਤਵਾਂ ਪਦ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਸਮੀਕਰਨ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਡੀ ਤੇ ਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਡੀ ਤੇ ਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਏ ਪੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਏ ਪੀ ਦੇ 4 ਪਦ ਪਤਾ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਏ ਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਦਿੱਤੀ ਏ ਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਦ ਹਨ? ਏ ਪੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 7, 13, 19 ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ 205। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਦ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ। ਇਸ ਏ ਪੀ ਦਾ 20ਵਾਂ ਪਦ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏ ਪੀ ਦਾ 20ਵਾਂ ਪਦ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਟਰਮ ਲਿਖ ਲਈਏ 7, डी कट लईए ए टू माइनस ए वन, 13 माइनस 7, ए टू किन्ना है 13, ए वन किन्ना है 7, डी बेटा 13 माइनस 7 आंसर साढ़े को किन्ना आ गया 6, डी का मुल साढ़े को किन्ना आ गया 6। उस तो बाद ए एन सानू दिता है 205, ठीक है। हुण ए एन की जगह पर ए एन के फॉर्मूले की वरतों कर लईए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना आ गया बेटा 205, ए दी वैल्यू 7 प्लस एन सानू पता नहीं, डी दी वैल्यू बेटा कितनी आई 6 बराबर 205। पहला 7 नू वख कर लईए, 7 उधर प्लस होया है इधर आके की होएगा माइनस होएगा, एन माइनस 1 इंटू 6 घटाओ कीती 198, 6 नूं इत्थों वाक कर लिए 6 दे नाल की होया है गुणा, उधर जाके की हो जाएगा भाग
कटिंग कर दिए, 3 6 3 18, 6 3 18 माइनस वन, एन माइनस वन कितना आ गया 33, एन दी वैल्यू साड़ी कितनी आ गई बेटा 33, वन इधर प्लस माइनस होया, इधर जाके की हो जाएगा प्लस, एन साढ़े को कितना आ गया बेटा 34, यानी कि इस एपी दे विच कुल किनिया टर्म्स ने साढ़े को 34, नंबर ऑफ टर्म्स किनिया ने 34, क्लियर हो गया बेटा। उस तो बाद नेक्स्ट इस लड़ी का असं की पता करना है, वी वहां पर ए एन का फॉर्मूला ले लीए, फिर कोई भी पद पता करने लिए असं कि सूत्र की वरतों करते हाँ, ए एन दी एन की जगह पर हम की आ गया वीवा पद पता करना है, ए 20 पहली पहला पद 7 प्लस 20 माइनस 1, डी का मुल बेटा कितना सेगा 6, क्लियर 7 प्लस 19 इंटू 6, 19 इंटू 6 कितना हो गया बेटा 114, दोनों नू प्लस किया साडा आंसर कितना आ गया 121, क्लियर हो गया बेटा। ये साडा की सीगा इस लड़ी का वी मापन, क्लियर। किन्ने पद ने 34, एपी का वीवा पद 121, क्लियर बेटा। हाँ जी बेटा, थर्ड सम देखिए, थर्ड सम साडा हैगा कि दित्ती एपी का जोड़ फल पता करो। ये तुहाडी एक्सरसाइज भी सम्स हैगे आ, दो लड़ी सन दित्ती हुई है 2 7 12, तो ये किन्ने पदों का जोड़ फल असी पता करना है 10 पदों, ठीक है बेटा। हुण इहदे च असी जोड़ फल वाले सूत्र की वरतों करांगे, क्लीयर है। फर्स्ट टर्म 2, सांझा अंतर ए 2 माइनस ए 1, 7 माइनस 2 किन्ना अंतर आ गया बेटा साढ़े को 5, नैक्सट किन्ने पदों का जोड़ फल असी पता करना है 10, क्लीयर। हुण इत्थे असी फॉर्मूला कहड़ा लिखांगे, एस एन एन बटा 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि साढ़े को ए भी है डी भी है तो एन भी है, तिना के मुल साढ़े को अवेलेबल ने, इसलिए असं कि सूत्र की वरतों करा, कि फॉर्मूले की वरतों करा, एस एन इक्वल टू एन बटा 2 गुणा 2 ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी की वरत, एस टेन क्योंकि असी 10 पदों का जोड़ फल पता करना है, 2 पहला पद 2 10 माइनस 1 गुणा डी की जगह तक की लिख लिया 5, कटिंग की 5 आ गया, 10 नू 2 नाल कटिया 5 गुणा की 4 आ गया बेटा 2 दुनी 4, घटाओ की 9, 9 नू 5 नाल की करनी है गुणा करनी है, 5 गुणा 4 प्लस गुणा किया कितना आ गया 9 ते 5 नू 45 जोड़ लईए, जोड़ के कितना आ गया बेटा 49, 49 नू जदों असीं 5 नाल गुणा की आ गया साढ़े को आंसर 245, इहदा मतलब इस लड़ी दे 10 पदों का जोड़ फल कितना आ गया साढ़े को 245, क्लीयर हो गया बेटा। सौखा सम सीगा, सिर्फ वैल्यूज पुट कीतियां ते उहनू बॉड मास नाल सॉल्व किया, क्लीयर। हाँ जी बेटा, नैक्सट सम देखिए, फोर्थ सम जोड़फल पता करो, साड़ी एक्सरसाइज भी सेम इदा ही स्टेटमेंट लिखी हुई है, जोड़फल पता करो, लड़ी जड़ी है साड़ी की है 34 प्लस 32 प्लस 30, तो यदा जोड़ा लास्ट टर्म है वह कितनी है 10। हुण इहदे च बेटा फर्स्ट टर्म की हो गई 34, ठीक है, एक सानूं लास्ट टर्म पता है, ठीक है, एक असीं इहदा सांझा अंतर पता कर सकते हैं। सांझा अंतर किस तरह पता करते सीगे, ए टू माइनस ए वन, दूसरे पद विचों पहला पद की कर देना है माइनस कर देना, माइनस टू, ठीक है बेटा, साडा की आ गया
डी की वैल्यू साढ़े की आ गई माइनस टू, इतने डी की है ऋणात्मक। उस तो बाद सानू की दिता हुआ अंतिम पद, अंतिम पद में असं की लिखते सके ए एन भी लिख देंगे सके, वो सानू कितना दिता है बेटा 10। ठीक है, मैं एल भी लिखा ए एन भी लिखा क्योंकि ये दोनों का मतलब एक ही है। हुण असी इस लड़ी का की करना है, जोड़फल पता करना है। जोड़फल दे सूत्र सानू पता है, इहदे च देखो एन चाहिदा, ए चाहिदा ते डी चाहिदा। ठीक है बेटा, देखिए पहला साढ़े कोल ए है डी है लेकिन इहदे च साढ़े कोल एन नहीं है, 10 जिहड़ा है वह किनवा पद है ये सानू पता नहीं है। ठीक है, तो हुण इहदे च फिर किहड़े फॉर्मूले की वरतों करांगे, इत्थे भी देखो एन चाहिदा ए चाहिदा एल चाहिदा है ना, दोनों फॉर्मूलिया की वरतों तद ही करांगे जो सानू एन पता होएगा। इसलिए असी सब तो पहला की करांगे बेटा एन पता करन की कोशिश करते हैं। एन पता करन लई ए एन का सूत्र लिख लीए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 10, ए का मुल भर दईए 34, एन पता नहीं है यही तो असी पता करना है, डी माइनस टू बराबर 10, 34 इधर प्लस होया है उधर जाके की हो जाएगा माइनस 10 माइनस 34, एन माइनस वन माइनस टू, 34 चो 10 कटे माइनस 24, एन माइनस वन नालों माइनस दो नू वक्ख करना है माइनस 24 बटा माइनस दो, माइनस का माइनस कटिया गया 24 नू दो नाल कटिया कितना आ गया बेटा साढ़े को 12, एन माइनस वन इज इक्वल टू कितना आ गया 12, वन इधर की होया है माइनस इधर जाके की हो जाएगा प्लस, एन इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा साढ़े को 13। सानू पता लग गया कि जड़ी लड़ी सानू दिती हुई है उहदे च कुल किन्ने पद ने 13 पद ने। हुण असी दोनों फॉर्मूलिया की वरतों कर सकते हैं, पर इतने मैं थानू सैकेंड फॉर्मूले की वरतों करने कहांगी क्योंकि वो साडा थोड़ा फॉर्मूला जोड़ा है छोटा है, उस कैलकुलेशन जड़िया वा सौखिया हो जाए। ठीक है बेटा, एन बटा दो ए प्लस एल, एस एन इज इक्वल टू एन बटा दो गुणा ए प्लस एल, किन्ने पदों का जोड़फल असी पता करना सीगा 13, क्योंकि लड़ी च कुल 13 ही पद ने, एन दी वैल्यू 13, 13 बटा दो ए दी वैल्यू इतों लईए 34 प्लस एल, अंतिम पद साडा किन्ना सीगा 10, एस 13 बराबर 13 बटा दो गुणा 34 ते 10 नूं प्लस कीता किन्ना आ गया बेटा 44, 44 नूं दो नाल कट देंगे कितना आ गया 22, एस 13 बराबर 13 गुणा 22, 13 नूं जदों असीं इहदे नाल गुणा करांगे 22 नाल तो साढ़े कोल की आएगा बेटा 286, साढ़े 13 पदों का जोड़फल कितना आ गया 286। क्लीयर हो गया बेटा? हाँ जी बेटा, हुण पंजवां सम देखिए, पंजवां सम साडा हैगा कि किसे एपी दा पहला पद किन्ना है 5, अंतिम पद उहदा दित्ता होया किन्ना है 45, अते जोड़फल 400 है, पदा दी संख्या अते सांझा अंतर पता करो। हुण इहदे च बेटा की गिवन है सानू, पहला पद 5, अंतिम पद, अंतिम पद नूं असीं किहदे नाल लिखते सी ए एन नाल, या असीं कह दिंदे सी एल लास्ट, ये किन्नी दित्ती हुई है सानू 45, तो एक सानू जोड़फल दिता हुआ, सानू ये नहीं पता साड़ी लड़ी च किन्ने पद ने, इसलिए असी एन लिख रहे हैं, जोड़फल सानू कितना दिता हुआ है 400, पदा की संख्या अते सांझा अंतर पता करो। ठीक है बेटा, किस जिहड़ी लड़ी है उहदे च किन्नियां टर्म्स ने ये भी पता करना, तो एक इहदा कॉमन डिफरेंस सांझा अंतर भी पता करना। ठीक है बेटा, हुण देखिए साढ़े कोल ए है एल है। ठीक है बेटा, हुण साढ़े कोल की नहीं है, ना तो साढ़े कोल एन है तो ना ही साढ़े कोल डी है। देखो इत्थे भी देखो एन नहीं है डी नहीं है, मैं तुहानूं शुरू च दस्सिया सीगा कि असी एक मुल पता कर सकते हैं, दो असी जिहड़े आ
वो एक इक्वेशन तो असी पता नहीं कर सकते, इसलिए यह फॉर्मूला वरत्या नहीं जा सकता। हुण इस फॉर्मूले च आ जाइए, इस फॉर्मूले च देखो एस एन पता है सानू 400, ठीक है, एन सानू नहीं पता, पर सानू ए ते एल जड़े हैं दोनों वो पता, ठीक है बेटा। यदा मतलब असी केड़े फॉर्मूले की वरतों करेंगे, ये सब तो पहला एस एन वाला, एस एन यदि जगह ते लिख लो बेटा एन बटा दो ए प्लस एल, एस एन का फॉर्मूला लगाता बराबर है 400, क्लियर। एन की वैल्यू सानू नहीं पता, ए का मुल 5 प्लस 45 बराबर है 400, क्लियर। एन बटा दो जोड़ के कितना आ गया बेटा 50 बराबर है 400। हाँ जी बेटा, एन बटा दो गुणा 50 बराबर है कितना आ गया साढ़े को 400, ठीक है। इतने 50 जरा 2 नाल कटिया जा सकता है, कट के कितना आ गया 25। एन 25 इधर की होया है गुणा उधर जाके की हो जाएगा भाग, क्लियर बेटा। जड़ा हैगा 425 नाल कटिया साढ़े को आंसर कितना आ गया बेटा 16। एन सानू पता लग गया कि साढ़े को इस लड़ी च जड़िया वा वो किनिया टर्म्स ने 16, ठीक है, पता दी संख्या पता लग गई 16। ते हुण असी अपने दोनों फॉर्मूलिया की वरतों करके सांझा अंतर पता कर सकते हैं। मैं कोशिश करांगी पहला फॉर्मूला वरतन दी ए एन वाला, क्योंकि ए एन सानू दिता होया सीगा, क्लियर। ए एन किन्ना दिता होया 45, ये विचों मैं डी पता करने की कोशिश करांगी। ए का मुल भर दईए 5, टोटल पद किन्ने सीगे साढ़े 16 माइनस 1 गुणा डी 45। 5 नू वक करिए, 5 इधर प्लस होया, इधर आके की हो गया बेटा माइनस 40, 16 चो 1 कटे 15, डी 15 डी दे नाल की होया है गुणा, ते इधर आके की हो गया भाग, ठीक है। दोनों नू 5 दे पाड़े नाल असीं कटता 8 बटा 3, डी दा मुल साढ़े कोल बेटा इत्थे बटे च आ गया 8 बटा 3। सांझा अंतर साढ़ा किन्ना आ गया 8 बटा 3, ते पदां दी संख्या साढ़े कोल किन्नी आ गई 16, क्लियर हो गया सब। ओके आओ बेटा हुण सिक्स सम करिए। सिक्स सम थोड़ी एक्सरसाइज चो ही लिता गया है। 8 दे पहले 15 गुणजां दा जोड़फल पता करो, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम्स विच भी आता है। 8 दे पहले 15 गुणजां दा जोड़फल पता करो। 8 दे पहले 15 गुणज असी लैने हैं, 15 गुणज केड़े होंगे आ बेटा, जिदा 8 दा पहाड़ा, 8 दा पहाड़ा मोस्टली आप कितने तक लिखते हैं 10 तक लिखते हैं, पर हुण असी इत्थे किन्ने तक लिखना है 15 तक। यदा मतलब असी शुरू कितों करना है 8 दे पहाड़े च, 8 16 24 32 डैश डैश डैश, लास्ट टर्म की हो जाएगी बेटा 8 नू 15 नाल गुणा कर लिए 120, अंतिम पद साडा किन्ना हो गया 120। हुण सानू ये भी पता है कि ये किन्नवी रकम है साडी, 15वीं रकम है, ठीक है बेटा। हुण इथों देखिए फर्स्ट टर्म 8, सांझा अंतर कढ लईए ए टू माइनस ए वन किन्ना हो गया बेटा 16 माइनस 8, सांझा अंतर भी किन्ना आ गया 8, टोटल किन्ने पद ने साढ़े कोल 15, क्योंकि 15 गुणज असी लिते आ, इसलिए साढ़े कोल कुल जड़ियाँ रकमां ने वो किनियाँ आ गईआं 15, किन्ने पद आ गए साढ़े कोल 15, ठीक है बेटा। हुण इहनां दा असी की पता करना है, जोड़फल पता करना है, असी केड़ा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए वाला फॉर्मूला भी वर्त सकते हैं, साढ़े कोल ए भी है एन भी है, ते साढ़े कोल ए 15 यानी कि लास्ट, यदि लास्ट टर्म की है ए 15 वो भी साढ़े कोल है, किन्नी दिती है सानू 120। कैलकुलेशन नू शॉर्ट करने लई
ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਦੇ ਚ SN is equal to N बटा 2 गुणा A plus L. N कितना है बेटा 15, 15 बटा 2 A दी जगह ते वैल्यू पुट करती 8. अखीरी पद साढ़े को या अंतिम पद कितना सीगा 120 15 बटा 2 गुणा 128. 128 नू 2 नाल काट दईए साढ़े कोल किन्ना आ गया बेटा 64. 15 नू 64 नाल जदों असीं गुणा कीती आंसर साढ़े कोल किन्ना आ गया 960. इहदा मतलब ए दे इस लड़ी दे 15 पदां दा जोड़फल किन्ना आ गया साढ़े कोल 960. क्लीयर हो गया बेटा, सौखा सी सम. इस तरह तुहानू कोई भी रकम पूछी जा सकदी है जिहदा. हाँ जी बेटा, गुंजा वाला जड़ा सम है वो तुसी आराम ना कर सकते हो. इतने रकम चेंज हो जाएगी, इतने चेंज हो जाएगी, किन्ने गुणा है वो वक्रे पूछे जा सकते हैं. उस हिसाब ना घबराना नहीं है, तुसी ये सम बड़े आराम नाल कर सकते हो. ये असी हमेशा केड़े फॉर्मूले की वरतों करनी है, एस एन बराबर एन बटा 2 गुणा ए प्लस एल, क्योंकि ये अंतिम पद असी पता कर सकते हैं. ठीक है बेटा, ओके. उम्मीद करनी है कि अज का लैक्चर थानू बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया होना है. तुसी कोशिश करियो कि अपने अभ्यास के सवाल करके जरूर वेखो एक बारी. मैं आशा करती हाँ कि तुहानू अंक गणितक लड़ियाँ अध्याय बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया होना है. थैंक यू बेटा.